मुझे देख के लग रहा है कि फाइनल जरा खुश नहीं है इस विदाई समारोह से, है ना, कि बहुत जल्दी उनकी विदाई हो रही है। आप सब इस विदाई समारोह में बड़े अच्छे तैयार होके आए हैं, लग रहा है कि सचमुच विदाई का समय आ गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरा ना कर ले, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, तब तक विदाई मत सोचिए, है ना, क्योंकि पहले आप आत्मनिर्भर बनिए, सबल बनिए, उसके बाद ही आप ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें, ये आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, हेलो, आशीर्वचन तो हर पल होता है हम लोगों के लिए, और तुम लोगों की गतिविधियां जो है वो अपने आप बता देती है कि किसको कैसा आशीर्वचन कब दे देना चाहिए। बहुत सीरियस होने की बात नहीं है, आज का दिन आपका एंजॉय करने का है। मैडम ने बहुत सारी अच्छी 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 बातें की, है ना, हमें हर फील्ड में अच्छा होना है, और उस अच्छा करने के लिए हमें अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहीं भी सामान्य और पीछे रहने के लिए हमारे लिए जीवन में कहीं जगह नहीं है। और मेरा एक सवाल है, क्या हम सब पहले नंबर पे आ सकेंगे? सब मेहनत करेंगे जी तो आएंगे क्या सब? कॉलेज को अगर टॉप करेगा तो कोई एक बच्चा करेगा, बहुत होगा दो बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ जाएंगे, बाकी मेहनत तो सबने करनी।
जी तोड़ करी करी ना, तब आप क्या करें, निराश होकर बैठ जाएंगे, हताश हो जाएंगे, है ना। हमारी मेहनत का अच्छा फल हमें मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। मैं लाइफ के दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगी और आपकी बोल्डनेस चाहूंगी लाइफ में। पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई से अलग भी जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जहां हमारा मनचाहा होता नहीं। तो क्या हर पल हम घर परिवार में लड़ाई झगड़े करें, घर छोड़ के चले जाएं? क्या रास्ता है उसका, क्या विकल्प चुनेंगे? अपने अपने फील्ड के अनुसार, जैसे आपका जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनके अनुरूप आप मास्टर डिग्री करने जाएं, है ना। और इसके साथ ही जीवन में बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रेजुएट हो गए तो समझते हैं कि बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो बेरोजगार हो गए तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने बहुत लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, है ना। आगे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ों को पार करते जाना है, ठीक। तो मेरे यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस हो, है ना। थैंक यू। शुभ गणी छे अभी।
त्यागी मैम, पांडे मैम, सुनीता मैम और मेरे कलीग साहू सर, सुषमा मैम, पटेल सर और रूपा मैम, आज का ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने अरेंज किया है फेयर Thank you.
प्रिंसिपल मैम से स्पीच देती है सर। आप लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हुए हैं, तो आप लोग जैसे पहला के बाद कहीं भी जाएंगे तो वहाँ आप लोग अपनी माता पिता की और अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। Yeah।
लागी मेरी तेरे संग लगी है शंकर लागी।
पटेल पर ध्यान ना दे पटेल पर तो फेमस जा रहा हूँ पहले तो सुनिए बस चलो आजकल तो आप लोगों ने तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया वो बहुत ही अच्छा था आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप लोग आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था और Thank you.
मैं फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते भी मेडिकल जाती रही क्योंकि मुझे खाली नहीं बैठना था, कॉलेज से आना था और मतलब मुझे थोड़ा पैसे भी अपने लिए करना था, तो मैं मेडिकल जाती थी। उसके बाद सेकेंड ईयर में आई तो सेकेंड ईयर में हमारे गांव की मैम जो है वो मुझे बुलाई कि गणित पढ़ा सकते हो क्या करके, तो मैं बोली मैम सेकेंड ईयर है तो पढ़ना है कैसे करूँगी करके, नहीं एक घंटा देना है कैसे, तो मैं सोची हाँ एक घंटा सेवा के लिए तो निकाल सकती हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ से पढ़ के जाती थी तो फिर अपने गांव के स्कूल में जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी मैथ करके। तो फिर उसके बाद ना हम लोग को देखे गांव में कि बच्चे उससे जा रहे हैं सेवा के लिए कर रहे हैं, तो गांव वाले बोले कि हम लोग आप लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग आपके लिए ना कुछ करना चाहते हैं, आप लोग को जन भागीदारी शिक्षिका के रूप में नियुक्त करते हैं करके। और उसके बाद फाइनल ईयर में अभी भी मैं बच्चों को ही निःशुल्क पढ़ाती हूँ। तो मेरा यही है कि सेवा का भी पढ़ाई के अलावा पढ़ते पढ़ते सेवा का भी हम कुछ करें, केवल एक घंटा महीने में हो हफ्ते में हो या साल में हो केवल एक घंटा आप लोग किसी के लिए दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि Oh.
6 साल का काफी टाइम है। सर बोलते हैं कि तो आज क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा हमें। लास्ट थैंक यू। Glory, na 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 na, glory.
अब कैसे उन्हें धन्यवाद करें क्या दे उन्हें नजराना, अब कैसे उन्हें धन्यवाद करें क्या दे उन्हें नजराना। मेरा बस अब इतना है कहना, अपनी इस बच्ची की गलतियों को माफ है कर देना, माफ है कर देना। लास्ट पंक्ति, कभी सोचा नहीं था यह कॉलेज भी एक परिवार सा लगने लगेगा, कभी सोचा नहीं था यह कॉलेज भी एक परिवार सा लगने लगेगा, और इसे छोड़कर जाना इतना मुश्किल होगा। पर वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए रुकती नहीं है, इसलिए अब हमें भी जाना होगा, हमें भी जाना होगा। धन्यवाद।